हेलो फोक्स, आप जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी मच अवेटेड अपॉर्चुनिटी थी जिसका एडवर्टाइजमेंट फाइनली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर हरियाणा जुडिशरी। इस एडवर्टाइजमेंट की हम लोग हर एक डिटेल समझेंगे कि क्या इसमें हमारे लिए सिलेबस रखा गया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। तो ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा जुडिशरी ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट को 1 जनवरी 2024 को पब्लिश किया था हमारे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इन्होंने इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट रखी है 5th ऑफ जनवरी 2024, यानी आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी 2024 से चालू हो जाएंगे। आप इस फॉर्म को 5 जनवरी से फिलअप कर सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप 31st ऑफ जनवरी 2024 से पहले अपने रजिस्ट्रेशन को और अपनी फी पेमेंट को कंप्लीट कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम इसमें बाकी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी है वो इन्होंने 174 वैकेंसी निकाली है, जिसमें से हमारी 129 वैकेंसी एक्चुअल वैकेंसी है और हमारी 45 वैकेंसी एंटीसिपेटेड वैकेंसी है। तो सबसे पहले इन्होंने 129 वैकेंसी के बारे में आपको कैटेगरी वाइज बताया है, तो हम वो देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए इन्होंने 77 वैकेंसी निकाली है। उसके बाद हमारे स्केड्यूल कास्ट जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 30 निकाली गई है। उसके बाद हमारे बैकवर्ड क्लास ए जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके लिए 11 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद हमारे बैकवर्ड क्लास बी जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि EWS जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 10 निकाली गई है। तो टोटल आपके लिए 129 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें हमारी एक्स सर्विसमैन जो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हरियाणा से भी बिलोंग करते हैं उनके लिए 4 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन जो स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के ही हैं उनके लिए 1 वैकेंसी और हमारे एक्स सर्विसमैन जो BCA कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के रेजिडेंट हैं उनके लिए भी 1 वैकेंसी और हमारे PWD कैटेगरी के लिए उनके VH के लिए 3, HH के लिए 3 और OH के लिए 1 और MD के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी एंटीसिपेटेड पोस्ट के रिगार्डिंग। जो हमारी 45 निकाली गई है उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 24 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद SC कैटेगरी जो हरियाणा के रेजिडेंट है उनके लिए 9 वैकेंसी, हमारे बैकवर्ड क्लास ए जो हरियाणा के रेजिडेंट है उनके लिए 6 वैकेंसी, बैकवर्ड क्लास बी जो हरियाणा के रेजिडेंट है उनके लिए 2 वैकेंसी और हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो हरियाणा के रेजिडेंट है उनके लिए 4 वैकेंसी। तो टोटल ये वैकेंसी 45 निकाली गई है। तो 45 प्लस 129 वैकेंसी इक्वल्स टू 174 वैकेंसी निकाली गई है हमारे हरियाणा जुडिशरी में। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम इसमें एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। इन्होंने मेंशन कराया कि आपका हरियाणा जुडिशरी के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा और फाइनली आपका वाइवा यानी पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके लिए इन्होंने कुछ आपको टेंटेटिव डेट भी प्रोवाइड करी है। इन्होंने आपको बोला है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम ये लोग आपका 3rd ऑफ मार्च 2024 में कंडक्ट करा लेंगे। ये अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है, इन्होंने मेंशन करा है कि ये आपके टेंटेटिव डेट है। बाकी मेंस के एग्जाम के लिए इन्होंने आपको डेट मेंशन नहीं करी है, इन्होंने आपको मंथ मेंशन करा है कि ये आपका मेंस का एग्जाम जून और जुलाई के मंथ में कंडक्ट करा लेंगे। जो भी कैंडिडेट मेंस को क्वालिफाई करेंगे फाइनली उनका PI यानी पर्सनल इंटरव्यू और वाइवा कंडक्ट करा लिया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आपको आपके एग्जाम में ओएमआर शीट प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको 5 ऑप्शन प्रोवाइडेड होंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में आपको जोन सा उसका करेक्ट आंसर दिखेगा आप उसको ए बी सी डी में से कोई से भी 4 ऑप्शन में मार्क करेंगे। इन केस अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और आप उसे अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहते तो आप उस ओएमआर शीट में 5वें ऑप्शन को आप डार्क करेंगे, यानी आपको जो ए बी सी डी ई का ऑप्शन दे रखा होगा आप ई वाले ऑप्शन को, जो ई वाला आपको सर्कल दिखेगा आपको उसे डार्क करना है। तो ये आपका इसमें मेंशन करा हुआ है कि आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपकी ओएमआर शीट में 5 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी में से। आपको अगर कोई सा आंसर करेक्ट लगता है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर को डार्क करेंगे, और अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते और आप उसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आप ई वाले ऑप्शन को डार्क करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और आपने ओएमआर शीट में भी आपने अपने ई वाले ऑप्शन को डार्क नहीं करा क्योंकि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपको ई वाले ऑप्शन को डार्क करना चाहिए था, लेकिन आप ई वाला ऑप्शन को आपने डार्क नहीं करा, इट मींस आपका वो जो आंसर होगा आपको एचपीएससी नेगेटिव मार्क्स देंगे। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आपको ई वाले ऑप्शन को यानी 5वें ऑप्शन को आपको सर्कल को डार्क करना है। तो ये आपका इसमें क्लियरली मेंशन करा गया एडवर्टाइजमेंट में। अब बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, साथ ही साथ उसमें आपको 125 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा और आपका हर एक गलत आंसर आपके 0.8 मार्क्स को डिडक्ट करेगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे वो आपके मेंस के सिलेबस के ही होंगे। साथ ही साथ इन्होंने आपको बोला है कि आपको नेशनल करंट इवेंट्स के बारे में और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में और इंडियन लीगल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में और गवर्नेंस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको एनालिटिकल स्किल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके आएंगे और आपके एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं हम अपने मेंस के एग्जाम के रिगार्डिंग। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपका सिविल लॉ पेपर 1 होगा जो आपका 200 नंबर का होगा। इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सीपीसी से पूछे जाएंगे, पंजाब कोर्ट एक्ट से पूछे जाएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछे जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट से पूछे जाएंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से पूछे जाएंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से पूछे जाएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट से पूछे जाएंगे और आपका हरियाणा अर्बन एक्ट से पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका पेपर 1 होगा सिविल लॉ के ऊपर होगा जो कि आपका 200 मार्क्स का होगा। अब बात कर लेते हैं हम अपना पेपर 2 के रिगार्डिंग। पेपर 2 आपका सिविल लॉ 2 पेपर कहलाएगा, ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा और इसमें जो आपका सिलेबस है वो आपका हिंदू लॉ है, मोमडन लॉ है, उसके बाद आपका कस्टमरी लॉ है, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन है। तो इन सारे एक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका पेपर 3 होगा जो आपका क्रिमिनल लॉ कहलाएगा, ये आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपसे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका पेपर 4 होगा जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इसमें आपसे ये भी एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होगा जिसमें आपके 100 मार्क्स आपके इंग्लिश एसे पे होंगे जिसमें आपको 1000 से लेके 1100 वर्ड्स में आपको एसे लिखना होगा। इसके बाद आपका 25 नंबर का प्रिसाइज होगा, 25 मार्क्स का ही आपका वर्ड्स एंड फ्रेसेस होगा, उसके बाद आपका 25 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन होगा और 25 मार्क्स का आपका करेक्शन होगा। इसके बाद फाइनली आपका पेपर 5 होगा जो कि आपका लैंग्वेज का पेपर होगा। ये एग्जाम भी आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपसे ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनली आपके कंपोजिशन पे आपसे 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका जो मेंस का एग्जाम होगा वो आपका 900 मार्क्स का होगा। तो ये वाला आपका पूरा सिलेबस भी पेपर वाइज आपको मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। साथ में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपका जो ये एग्जाम होगा वो आपका इंग्लिश मीडियम में ही होगा एक्सेप्ट आपके लैंग्वेज पेपर को छोड़ के। इसके बाद इन्होंने मेंशन करा है कि आपका जो हर एक एग्जाम यानी जो आपके 5 एग्जाम होंगे मेंस के वो आपका हर एक एग्जाम 3 घंटे का होगा। इसके बाद आपके मेंस में आपको बेयर कॉपीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। फाइनली जो भी कैंडिडेट मेंस को क्वालिफाई करेगा उसके बाद आपका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू यानी कि वाइवा आपका 200 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर।
इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हर एक कैंडिडेट को मिनिमम अपने एग्जाम्स में 50% स्कोर करना होगा, तभी उसको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। तो यानी आपको हर एक एग्जाम में 50% एंड अबव स्कोर करना होगा, और जो हमारे कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे उन्हें हर एक एग्जाम में मिनिमम 45% स्कोर करना होगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अबव 21 इयर्स है और बिलो 42 इयर्स है एज पर ऑन 31st of January 2024, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आपकी एज अबव 21 इयर्स होनी चाहिए और बिलो 42 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे, और आपको आपकी एज 31st जनवरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी हरियाणा का रेजिडेंट है और एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है, और जो कैंडिडेट हरियाणा का रेजिडेंट है और बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि अगर किसी मिलिट्री पर्सनल की वाइफ है जो कि डिसेबल हो गया था मिलिट्री सर्विस के दौरान, उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि विडो और लीगली डाइवोर्स्ड वुमेन को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है, अनमैरिड वुमेन को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है। तो ये पूरा आपका एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग कॉलम है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एलएलबी ग्रेजुएट है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपसे किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने। इन्होंने सिर्फ बोला है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, और आप इस पोजीशन के लिए यानी कि सिविल जज की पोजीशन के लिए आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और हमारे जो कैंडिडेट हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए जो एग्जाम फी रखी गई है वो आपकी 1000 रुपीज रखी गई है, और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो भी डिपेंडेंट है एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा का उसके लिए भी ये फी 1000 रुपीज रखी गई है। अब बात कर लेते हैं किसके लिए ये फीस 250 रुपीज रखी गई है। सारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 250 रुपीज रखी गई है, और साथ ही साथ ये 250 फीस उनके लिए भी रखी गई है जो हमारे एससी बीसीए बीसीबी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लेकिन वो हरियाणा से ही बिलोंग करने चाहिए, उनके लिए फीस 250 रुपीज रखी गई है, और हमारे जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के रेजिडेंट है उनके लिए ये फीस फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। तो ये आपके एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग की बात थी। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल होगा आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने स्क्रीन पे ही इसे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकेंड लिंक अवेलेबल है आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप सभी लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा हर एक कैंडिडेट का, चाहे उसका टेक्स्ट हो या फिर उसका यूट्यूब पे कमेंट हो, मैं हर एक कैंडिडेट को टाइमली रिप्लाई कर दूंगा ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोसेस को खत्म कर पाए और अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाए। बाकी मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप इस फॉर्म को यानी इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आप 4 जनवरी 2024 के बाद यानी कि 5 जनवरी से ही कर पाएंगे। यानी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकेंड लिंक अवेलेबल होगा उस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन को 5 जनवरी से ही कर पाएंगे। तो ये आपकी पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हरियाणा जुडिशरी के लिए निकाली गई है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।